हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हरि कृष्णा एजुकेशन सेंटर। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बुलेट। तो आज स्ट्रक्चर ऑफ बुलेट क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, दो टाइप के बुलेट होते हैं। एक ये शार्प होते हैं और ये सर्कल में होते हैं, आगे यू शेप के होते हैं। दोनों का काम एक ही होता है, बट डिफरेंस क्या होता है दोनों में, ये जो होता है ये स्मॉल होता है, इसकी जो हाइट होती है वो लंबी होती है। अब सबसे पहले देखेंगे कि इनके क्या नाम होते हैं। सबसे पहले इतने पोर्शन को बुलेट कहा जाता है, BULLET, बुलेट। और ये बुलेट का सबसे मेन पार्ट होता है जो कि टारगेट को हिट करता है। क्या करता है? टारगेट को हिट करता है। इसके बाद क्या होता है, जो सेपरेशन मतलब दो चीज को सेपरेट कर रहा है वो इस प्लेस को कहते हैं, और इसको कैटरिज कहा जाता है, CARTRIDGE, कैटरिज, MOUTH। अब देखिए ये कैटरिज, तो अब ये जो कैटरिज माउथ होता है ये क्या करता है, जो बुलेट है उसको आगे अपने क्या करता है, ऐड करता है। अब इसमें होता क्या है, जो ये ऐड करता है इसी से क्या होता है, ये कनेक्टिव होता है। इसके बाद क्या आता है, इतने पोर्शन को केस कहा जाता है, CASE, केस, इसे केस कहते हैं, और हिंदी में इसे खोखा कहा जाता है, खोखा। अब इसमें होता क्या है, ये जो केस होता है ये दो टाइप के होते हैं। ये जो केस होता है, सबसे पहला केस जो होता है वो होता है ब्रास केस, BRASS, ब्रास, CASE, ब्रास केस। ये जो बॉडी होती है जिस चीज की बनी होती है, फर्स्टली तो ये ब्रास केस की होती है, और जो सेकंड होता है वो होता है STEEL, स्टील केस, CASE। सो मेरे लिए दो टाइप के बुलेट के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, जो केस होता है। इसके बाद क्या होता है, ये जो राउंड शेप का होता है, जो बुलेट होती है जो राउंड शेप का होता है नीचे साइड लोअर साइड, उसको कहा जाता है सर्कुलर, CIRCULAR, सर्कुलर ग्रूव, GROVE, सर्कुलर ग्रूव कहा जाता है, और इसे एक्सट्रैक्टर भी कहा जाता है, EXTRACTOR। मेनली इन दोनों नामों से क्या इसे जानते हैं, सर्कुलर ग्रूव एंड एक्सट्रैक्टर। एक्सट्रैक्टर बेसिकली वो भाग होता है जो निकलता है फ्रॉम आउट ऑफ द गन। अब इसको बाद जो होता है लास्ट में, ये होता है जो लास्ट साइड होता है, इसे रिम कहा जाता है, RIM, रिम। ये जो रिम होता है ये टारगेट को हिट करता है, और गन में कैसे काम करता है इससे अभी हम थोड़ी देर में आगे समझेंगे। अब ये हो गया फर्स्ट टाइप। अब ये जो सेकंड टाइप होती है ऐसे ही, इसे भी बुलेट कहते हैं, और इसको कार्ट्रिज माउथ कहते हैं। इसके बाद इसमें भी केस होता है, बट इसके अंदर फॉर इनर साइड क्या होता है, इसके अंदर होता है प्रोपेलेंट, PROPELLANT, प्रोपेलेंट। ये जो प्रोपेलेंट होता है इसे साथ में गन पाउडर भी कहते हैं, GUN, गन, POWDER, गन पाउडर भी इसे कहा जाता है। ये बेसिकली बुलेट के अंदर होता है। मेन जो चीज होती है जो बुलेट के अंदर बहुत इफेक्टिव होती है, जिससे बुलेट क्या होता है अपना वर्क करता है, रोल करता है इसको कह सकते हैं, वो होता है प्राइमर, PRIMER। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो प्राइमर होता है ये होता क्या है। सो जो बेसिकली प्राइमर होता है वो क्या करता है,
जो गन होती है ये जब हिट करती है, बेसिकली ये जो प्राइमर होता है ये इतना लॉन्ग होता है, अगर इसको इस इंटरफेस के हिसाब से देखा जाए, अगर गन को रोटेट करके देखा जाए तो इसकी बुलेट को, तो ये बीच में जो होता है प्राइमर होता है। और ये प्राइमर क्या करता है, जब हम बुलेट को क्या करते हैं, जब चलाते हैं तो जब ये फायर होता है तो इस पॉइंट पे हिट करता है गन का। जब इस पे हिट होता है तो ये जो प्राइमर होता है इसके अंदर क्या हो जाती है, फायर क्या होती है, एक्सट्रैक्ट होने लगती है। और जब ये फायर क्या होती है, एक्सट्रैक्ट होती है, बाहर निकलती है इस गन के अंदर से, जब इस पे फोर्स पड़ेगा तो इसके अंदर क्या होगा, फायर एक्सट्रैक्ट करेगी या आग उत्पन्न होगी, और ये जो प्रोपेलेंट है जिसे गन पाउडर कहा जाता है इसके साथ क्या हो जाएगी, रिएक्ट होगी, क्या होगी, रिएक्ट। और जब ये रिएक्ट होगी तो ये बहुत तेज क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा। जैसे जब चलते हैं ना तो ये जो आवाज आती है ये हम अपने कान से सुनेंगे तो बहुत तेज होती है, इसीलिए क्या करते हैं इसको बहुत सावधानी से चलाना चाहिए। और जब ये चलती है तो जो साउंड करता है इससे बचने के लिए जो गन की ये इतनी केस होती है ये अलग हो जाती है। ये कैसे होती है, अंडरस्टैंड बाय द मेथड ऑफ गन। एग्जाम्पल करिए आप, या सपोज करिए ये गन है, और ये जो गन है जब ये फायर होगी तो ये जो ट्रिगर है, जो पीछे होता है ट्रिगर, ये पीछे जाएगा, और जब हम इसको फोर्स करेंगे जब फोर्स करेंगे तो ये ट्रिगर आगे जाएगा, और ये हिट क्या किसको करता है, इसको करता है। और जब ये गन को इस प्राइमर पे हिट होता है तो बहुत स्पीड से क्या होता है, इसके अंदर फायर एक्सट्रैक्ट होती है और इसके अंदर बहुत स्पीड से क्या होता है, ये ब्लास्ट करता है। अब मान के चलते हैं ये गन के यहाँ पर बुलेट है, और जब ये एक्सट्रैक्टर इस पे हिट करता है इसके बाद इसके अंदर बहुत स्पीड से क्या होगा, फायर अंदर से ब्लास्ट होगी और ये बहुत स्पीड से आगे निकलता है। ये 2700 फीट पर सेकंड की स्पीड से जाता है, 2700 फीट पर सेकंड। अब इसमें होता क्या है, जब ये निकलता है तो ये जो केस जिसे खोखा कहते हैं, केस ये बाहर निकलता है, यहां से केस क्या होगा, जब ये ब्लास्ट करेगा तो ये पोर्शन, मतलब कि ये इतना पोर्शन जहां पे कैटरेज माउथ और बुलेट का जोड़ होता है या मिलन होता है या जहां पे कनेक्ट होते हैं, ये क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, और ये क्या होता है, ये यहां से बाहर चला जाता है और ये बुलेट को क्या करता है, पुल आउट करता है विद द हेल्प ऑफ वेरी प्रेशर। और जब ये प्रेशर लगता है तो ये बहुत स्पीड से निकलती है, 2700 पर सेकंड की स्पीड से निकलता है। तो ये क्या थे, ये स्ट्रक्चर ऑफ बुलेट के कुछ टाइप थे जिसे समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि गन में क्या सिस्टम होते हैं और इसके बुलेट कैसे वर्क करती है। ये आज का टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ बुलेट। नेक्स्ट टॉपिक में कोई और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।